बैक टू माई चैनल फैन न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 139 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। इट मीन्स कि सीआरपीसी की धारा 139 सेक्शन 139 मजिस्ट्रेट को इस शक्ति के बारे में प्रावधान करता है जिससे वह स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देता है और विशेषज्ञ की परीक्षा कराता है। चलिए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 139 क्या बात करती है। सेक्शन 139 कहता है कि स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। इट मीन्स कि मजिस्ट्रेट धारा 137 या 138, धारा 137 और 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए कि किसी ने कोई जलसारणी रोकी हुई है, किसी ने कोई जो उसका जाने जाने का रास्ता है वहाँ पे रुकावट करी हुई है, या किसी भी तरह का क्या है लॉक पब्लिक न्यूसेंस किया है, तो उस केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो क्या मजिस्ट्रेट क्या डायरेक्शन दे सकता है किसी एक्सपर्ट के द्वारा कि आप एग्जामिनेशन करके आइए कि जो चीज कही जा रही है वो सही है कि नहीं है। तो सेक्शन 139 में कोर्ट को कहा जा सकता है कि आप क्या है इसकी जांच करवा लीजिए, एग्जामिनेशन करा लीजिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो गलत है। तो इसमें क्या है कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है वो पावर है उसको कि वो डायरेक्ट कर सकती है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक्सपर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन भी करवा सकती है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है और किसी विशेषज्ञ को सम्मन कर सकता है, उसकी परीक्षा करा सकता है। यानी कि अगर किसी एक्सपर्ट ने क्या है उसकी एग्जामिनेशन की है तो उसकी क्या है एग्जामिनेशन कर सकता है, परीक्षा कर सकता है मजिस्ट्रेट की क्या कह रहा है वो व्यक्ति, क्या उसने रिपोर्ट तैयार की है। तो ये सारा कुछ सेक्शन 139 में मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और एक्सपर्ट के द्वारा करनी है तो एक्सपर्ट के द्वारा करिए, तो ये ऑर्डर कर सकता है। तो ये बताया गया है फ्रेंड्स सेक्शन 139 में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 140। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।